السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning, my dear student. How are you? الحمد لله, I am fine. Student, today my video is lesson number 4, Dua before wuzu, Dua while performing wuzu, and Dua after wuzu. And specific duas for various occasions. Already I explained the live class dua before wuzu and while performing wuzu and after dua, after wuzu dua, and specific duas various occasion also. Alhamdulillah, हमने आपको जब हमारा live class था उस वक्त हमने आपको अच्छी तरीके से वुज़ू की दुआ, वुज़ू के दरमियान में पढ़ने की दुआ, वुज़ू के बाद की दुआ और ख़ास ख़ास मौक़ों पर पढ़े जाने वाले कलीमात को भी अच्छी तरीके से हमने आपको समझा दिया था. आज हम उसको वीडियो के ज़रिए से आप तक मैसेज दे रहे हैं ताकि आपको फिर से माइंड के अंदर वो दुआएं आ जाए और आप उसके ऊपर अमल करने वाले बन जाए. तो सी माई ऑल स्टूडेंट, सी दिस वीडियो लेसन नंबर 4, दुआ बिफोर वुज़ू. बिस्मिल्लाह, क्या दुआ है? बिस्मिल्लाह. कब पढ़ना है? जब हम वुजू स्टार्ट करें उस वक्त हमें ये दुआ पढ़ना है. ऑलरेडी वो फुल दुआ भी है. अल्लाहुम्मा जअलनी बिस्मिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम. ये दुआ भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं. समझ में आया? अगर किसी को फुल दुआ याद है तो वो फुल दुआ पढ़ेगा, और अगर किसी को फुल दुआ याद नहीं है तो जब भी वो वुज़ू करे, चाहे मस्जिद में जाकर नमाज के लिए वुज़ू कर रहा है, चाहे मदरसे के लिए जा रहा है, कुरान को पढ़ना है, कुरान को टच करना है, पकड़ना है, इसके लिए वुज़ू कर रहा है, या फिर कोई और चीज़ के लिए वुज़ू कर रहा है, तो जब भी वो वुज़ू करेगा तो सबसे पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा. सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाहिल्अलीयिल्अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम, ये पूरी दुआ पढ़ेगा. ठीक है? ट्रांसलेशन, इन द नेम ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ. क्या शुरू कर रहे हैं? वुज़ू. क्या शुरू कर रहे हैं? वुज़ू शुरू कर रहा हूँ. ओके, तो इस तरीके से हम वुज़ू करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे. पूरी दुआ याद है तो पूरी दुआ पढ़ेंगे और वुजू को शुरू करेंगे. ओके, आफ्टर सी, दुआ वाइल परफॉर्मिंग वुजू मीन्स जब हम वुजू शुरू कर चुके हैं तो बिटवीन वुजू, वुजू के दरमियान में हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए. इस दुआ के अंदर तीन तीन दुआएं बताई गई हैं, मांगी गई हैं. एक तो गुनाहों की माफ़ी की, एक बड़े मकान की, और एक रोज़ी की बरकत की. चलो मैं दुआ पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना. अल्लाहुम्मा ग़फिर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी. क्या ट्रांसलेशन है? ट्रांसलेशन, ओ अल्लाह फॉरगिव मी सिंस, मेक माई हाउस स्पेसिस फॉर मी एंड बेस मी इन माई लाइवलीहुड. क्या मीनिंग हुआ? ए अल्लाह, मेरे गुनाह को बख्श दीजिए. क्या हम वुज़ू के दरमियान ये दुआ पढ़ेंगे? जिस तरीके से वुज़ू करने की वजह से हमारे बदन के ऊपर जो गर्दो गुबार होता है वो पानी लगने की वजह से साफ़ हो जाता है, तो इस तरीके से, जिस तरीके से अल्लाह ताला मेरे बदन से जो वुज़ू के लिए मैं पानी यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे हाथ से, मुंह से, पैर से जो गर्द गुबार ख़त्म हो जाएगा, इस तरीके से अल्लाह ताला मेरे गुनाह को भी माफ़ फरमा दीजिए, ख़त्म फरमा दीजिए. ए अल्लाह, मेरे गुनाह को बख्श दीजिए.
और मेरा घर कुशादा कर दीजिए, यानी मेरे घर को बड़ा कर दीजिए, जो छोटा है उसको बड़ा बना दीजिए, बड़ा कर दीजिए, और मेरी रोज़ी में बरकत अता फरमाइए। हाँ, कि जो मैं आपकी तरफ से रोज़ी मिल रही है वो मेरी रोज़ी के अंदर क्या बरकत अता फरमाइए, बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाइए। तो इस दुआ के अंदर तीन तीन दुआएं मांगी गई हैं, छोटी सी दुआ है लेकिन उसके अंदर अगर किसी का छोटा घर है वो ये दुआ मांगेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको बड़ा घर अता फरमाएंगे। किसी के गुनाह को माफ़ी के लिए दुआ मांग रहा है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ कर देगा। कोई रोज़ी की बरकत के लिए दुआ मांग रहा है और ये दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह उसकी रोज़ी के अंदर अल्लाह ताला बरकत भी अता फरमाएंगे। समझ में आ गया? तो ये दुआ हमें वुज़ू के दरमियान में, यानी बिटवीन वुज़ू जब हम शुरू कर चुके उस वक्त ये दुआ हमें मांगनी चाहिए। समझ में आ गया? ओके। आफ्टर दुआ से दुआ, आफ्टर वुज़ू दुआ, आफ्टर वुज़ू के बाद पढ़ने की दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين। ये दुआ है पूरी वुज़ू के बाद पढ़ने की, लेकिन इतनी लंबी किसी को नहीं आती है तो ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين। ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फुल दुआ याद कर लेना बहुत अच्छी बात है। तो हमें छोटी वाली नहीं बल्कि पूरी दुआ याद करना चाहिए। ट्रांसलेशन, आई बियर विटनेस दैट देयर इज नॉन वर्थी ऑफ वर्शिप बट अल्लाह हु इज अलोन एंड हैज नो पार्टनर, एंड आई बियर विटनेस दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द सर्वेंट एंड मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ओ अल्लाह, मेक मी फ्रॉम दोज हु रिपेंट एंड फ्रॉम दोज हु कीप them slaves clean। क्या मीनिंग है उसका? कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, कोई उसका पार्टनर नहीं, कोई उसका शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ए अल्लाह, मुझे तौबा करने वालों में से कर दीजिए। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन। ए अल्लाह, मुझे गुनाह जो आपके पास तौबा करते हैं, गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, इस तरीके से मैं भी गुनाह की माफ़ी मांगने वाला बन जाऊँ। ए अल्लाह, मुझे भी तौबा करने वाला बना दीजिए, मैं भी आपके सामने अपने गुनाहों का इकरार करूँ, एक्सेप्ट करूँ कि मैंने गुनाह किए हैं, और तू उसके बाद मैं तुझसे माफ़ी मांगूँ और तू मुझे माफ़ कर दे, ऐसा बना दीजिए। ए अल्लाह, तू मुझे तौबा करने वालों में से बना दीजिए, माफ़ी मांगने वालों में से बना दीजिए। वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, और मुझे पाक और साफ लोगों में से कर दीजिए। जिस तरीके से आपके प्यारे बंदे होते हैं जो पाक और साफ रहते हैं, मीन्स पाक और साफ का मीनिंग गुनाहों से पाक और साफ रहते हैं, जो कभी तेरा हुक्म को तोड़ते नहीं, जो कभी तेरे नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ते हैं, जो कभी गुनाह का काम नहीं करते हैं, उन लोगों में से तू मुझे बना दीजिए। यानी पाक और साफ लोगों में से, मीन्स नेक लोगों में से मुझे बना दीजिए। कितनी अच्छी दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, अल्लाह तू मुझे तौबा करने वालों में से बना दीजिए, माफ़ी मांगने वालों में से बना दीजिए, और मुझे वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, और मुझे पाक और साफ लोगों में से कर दीजिए, मैं भी पाक और साफ बन जाऊँ, मैं भी तेरा नेक बंदा बन जाऊँ, मैं भी तेरी इबादत करने वाला बन जाऊँ, ऐसा मुझे बना दीजिए। तो बच्चों, ये दुआ भी हमें वुज़ू के बाद पढ़नी चाहिए, उसको याद करना चाहिए, और जब भी हम वुज़ू करके फारिग हो जाए उसके बाद ये दुआ भी हमें पढ़नी चाहिए। ओके। आफ्टर सी स्पेसिफिक दुआज फॉर वेरियस ओकेशन, खास खास मौक़ों पर कहे जाने वाले कलिमात। व्हेन गोइंग अप से, जब हम ऊपर चल रहे हो, चाहे हम प्लान के जरिए से हो
या लिफ्ट के जरिए से हो। देखो यहाँ पर लिफ्ट का एरो दिया हुआ है और सीरी का भी दिया हुआ है ना? यस। तो अगर हम सीरी से चल रहे हो, प्लेन से चल रहे हो या फिर लिफ्ट से जा रहे हो, तो जब हम ऊपर जाएंगे तो उस वक्त कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। कोई चीज़ बड़ी नहीं है, ना प्लेन बड़ा है, ना आसमान बड़ा है, ना कोई बड़ा है, बल्कि सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह है। ओके, से अल्लाह अकबर ट्रांसलेशन, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। सेकंड, व्हेन गोइंग डाउन, से जब हम नीचे आए, लिफ्ट के जरिए से नीचे आ रहे हो, प्लेन नीचे उतर रहा हो या फिर सीढ़ी के जरिए से आ रहे हो, तो उस वक्त हम कहेंगे सुबहानअल्लाह। क्या पढ़ेंगे? सुबहानअल्लाह, ग्लोरी बी टू अल्लाह। क्या मीनिंग हुआ? ग्लोरी बी टू अल्लाह मीन्स क्या हुआ? अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह की ज़ात पाक है, यानी अल्लाह सबसे ज़्यादा पाक है। पाक है ज़ात अल्लाह की हम रीत करते हैं ना, हाँ इस तरीके से। ओके, आफ्टर सी क्या लिखा है? ऑन स्नेंजिंग, जब छींक आए तो क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज इज फॉर अल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। छींक आए तो हम पढ़ते कि नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाह। जब छींक आए तो उस वक्त कहना है रिप्लाई टू द ऑन वन हु स्नेंजिंग बाय सेइंग, क्या मीनिंग हुआ? कि जब किसी को छींक आए और हम उसको जवाब दें तो क्या कहना चाहिए? यरहमुकल्लाह। क्या कहना चाहिए? यरहमुकल्लाह। हमें छींक आई है तो वो कहेगा यरहमुकल्लाह, किसी और को छींक आई है तो हम कहेंगे यरहमुकल्लाह। ओके, आप तसी व्हेन इंटेंडिंग डू समथिंग से, क्या मीनिंग हुआ? जब कोई आपको किसी काम के लिए कहे, किसी काम के करने का इरादा आप करें, जाहिर करें, तो उस वक्त हमें कहना चाहिए इंशाअल्लाह। एग्जाम्पल, हमने कहा कि आपको दुआएं याद करके लाना है, तो उस वक्त क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह। क्या मीनिंग हुआ? इफ अल्लाह विल्स, यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो हम याद करेंगे, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो हम याद नहीं कर सकते। याद करने की ताकत और पावर कौन देगा? अल्लाह देगा तो हम याद करेंगे, है ना? इसलिए हम इंशाअल्लाह कहेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो हम याद करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको कलिमात और दुआएं सिखाई है, उसको याद करना है और उसको जब भी उसका मौका हो, वुजू का मौका हो तो वुजू की दुआ पढ़ेंगे, ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने की दुआ, नीचे उतर रहे हैं तो नीचे, छींक आई है तो छींक की दुआ, कोई काम का इरादा करें तो हम उस वक्त इस तरीके से करेंगे। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।